किसान परेशान है, लगभग 100% ही नुकसान मानो। अच्छा, धान में भी नुकसान है? धान में भी नुकसान है, आड़ी पड़ गई, पक भी गई, झर गई है बेचारे की। श्योपुर में भारी बारिश से किसानों के खेतों में घुटने घुटने पानी भर गया, जिससे धान की पकी हुई फसल खराब हो गई। हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने हल्का पटवारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जिले में रविवार सोमवार की रात से लेकर सुबह तक हुई बारिश के परिणाम स्वरूप दर्जन भर गांवों में किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं सोई कला क्षेत्र के दर्जन भर गांवों के खेतों में घुटने घुटने तक पानी भर गया। भारी बारिश से किसानों की हजारों बीघा खड़ी धान की फसल खराब हो गई। आपको बता दें कि रविवार शाम को तेज बारिश के साथ हुई झमाझम बारिश के चलते बड़ौदा और सोई कला क्षेत्र के मेवाड़, प्रेमसर, भगड़वा, घोटी, जगदेश्वर, पनवाड़ा, मानपुर, सामसरा सहित दो दर्जन से अधिक गाँव में खड़ी हजारों बीघा धान की फसल बर्बाद हो गई। वहीं सरसों की फसल को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि कलेक्टर शुभम वर्मा ने मौजूदा हालातों को देखते हुए जिले भर के सभी हल्का पटवारियों को बारिश में हुए नुकसान के सर्वे के तत्काल तहसीलदारों को रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए हैं। जिले में हुई बारिश को लेकर किसानों का कहना है कि पहले बाढ़ ने बर्बाद कर दिया था और अब बारिश की मार से फसल तबाह हो गई। कर्जा लेकर फसल तैयार की थी, बारिश के चलते खेतों में खड़ी हुई धान की पक्की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, खेतों में घुटने घुटने तक पानी भर गया है। वहीं किसानों ने सरकार की मांग की है कि जिन लोगों की फसल नष्ट हुई है उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। श्योपुर से धीरज बालोचिया की खास रिपोर्ट। ग्राम बरगमा क्षेत्र में आज दिनांक 17/10/2021 को मध्य रात्रि के समय लगभग 12 बजे प्रातः 4 बजे तक ग्राम बरगमा एवं आसपास के सभी गांवों में झमाझम बारिश एवं फरान तहसील में शाम 7 बजे से रात्रि 2 बजे तक आंधी बारिश होने से कराल तहसील के कुछ गांवों में धान, सोयाबीन, उड़द एवं सरसों की बोवनी 70% हो चुकी थी। आंधी पानी से किसानों का ग्राम बरगमा के निम्न किसानों के जो नदी के आसपास खेत थे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और किसान परेशान है, लगभग 100% ही नुकसान मानो। अच्छा, धान में भी नुकसान है? हाँ, धान में भी नुकसान है, आड़ी पड़ गई, पक भी गई, झर गई है बेचारे इनकी।